LLP के बैनर तले जल्द ही आने वाला शो CIF लॉन्च। मुंबई स्थित सारा होटल में हुआ क्राइम इन्वेस्टिगेशन शो CIF दंगल चैनल पर टेलीकास्ट होगा, जिसमें नजर आएंगे आदित्य श्रीवास्तव, दयानंद शेट्टी, आशा सैयद, दिनेश फडणवीस, अभय शुक्ला, अवधेश कुमार, CID की वह टीम जिसको दर्शकों ने बहुत ही प्यार दिया। मीडिया से बातचीत में क्या कुछ कहना था, देखिए मुंबई से इस खास रिपोर्ट में। तैयारी तो हमने कुछ नहीं की, बस 21 साल से CID चल रहा था, उसमें काम किया हम लोगों ने। तो अभी ये CIF मतलब क्राइम इन्वेस्टिगेशन फोर्स, तो यहाँ पे तैयारी मतलब सिर्फ हमारे ड्रेस चेंज हुए हैं, तो हमको उसमें अपने आप को ढालना है, बाकी कैरेक्टर लगभग वैसे ही है, सेम टू सेम। अच्छा, डिपार्टमेंट फोर्स हो गया, मतलब हम लोग फोर्स के साथ आ रहे हैं, बस ये चेंजेस हैं। दया सर, आपसे जानना चाहेंगे, लोगों ने ऑलरेडी CID देखा है, तो कितना चैलेंजिंग हुआ आप लोगों के लिए, मतलब इस किरदार में ढलना, हनुमान का जो आपका किरदार? 21 साल तक लोगों ने देखा है शो को, CID को, और उतना ही पसंद करते हैं, और ऑफ एयर जाने के बाद रिस्पॉन्स बहुत ही ज़्यादा मतलब इमोशनल कर देते थे, इतने अच्छे रिस्पॉन्स आ रहे थे हमारे ऑडियंस से, जो फैंस इतने सालों से देखते आ रहे हैं। तो कहीं ना तो कहीं एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि हम लोग खड़े उतरें, अभी एक साल के बाद इस शो के साथ आ रहे हैं, तो कुछ अच्छा करने के, जैसे जो डिफरेंस जो आपने पूछा, डिफरेंस ये है कि कैरेक्टर्स वैसे ही है, नाम भले बदले हैं, बट हर कैरेक्टर का अपना एक अलग बैक स्टोरी है, जहाँ पे इमोशंस हैं, ड्रामा है, उनके पर्सनल रिलेशंस दिखाएंगे, जो हम लोग CID में नहीं दिखा देते। और कुल मिला के हमारा लक्ष्य यही रहेगा कि जो लोग CID देखते थे वो इस शो के साथ जुड़ें, हमको जो देखना पसंद करते थे उसकी वो फिर से देखें, और एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है उनके साथ, वो हम फिर से मेंटेन करना चाहेंगे। जब आपको अप्रोच किया गया, कितनी यादें ताज़ा हुई, क्या मेमोरीज थी CID के साथ, और मतलब क्या खास बात आपको बताई गई थी इस शो के बारे में, जो आपने इस शो के लिए स्पेशली? जो शो हम लोग करते हैं, जिसके साथ काम करते हैं, बड़े दिल के साथ, बड़े प्यार से करते हैं, तो कहीं ना तो कहीं वो इमोशनल बॉन्डिंग है, और ये कैरेक्टर प्ले करना एंड स्पेशली टू कनेक्ट विद द ऑडियंस, क्योंकि अभी ये शुरू करेंगे एक दंगल चैनल पर, जैसे किसी ने पूछा कि बड़े बड़े शोज हैं, कॉमेडी रियलिटी शोज हैं, बट हमारा कोशिश यही है कि उस टाइम पर भी अगर हम लोग ऑन एयर आते हैं तो हमको हमारे ऑडियंस के साथ कनेक्ट करना है। CID आज से 21 साल पहले जब शुरू हुआ था, सीधा इट डिडंट स्काईरॉकेट, उसको धीरे धीरे हमको डेवलप करना पड़ा, तो हमको वो डेवलप करने के लिए थोड़ी समय की ज़रूरत है, जो हम चाहते हैं कि इवेंचुअली हम अपने ऑडियंस के साथ कनेक्ट करेंगे आफ्टर सम टाइम, क्योंकि बड़े बड़े शोज़ हैं आसपास, नो डाउट हम भी एग्री करते हैं, बट समवेयर हमको लगता है कि हमारे ऑडियंस इस शो को देखना पसंद करेंगे, एंड दे मस्ट बी वेटिंग फॉर इट, होपफुली वी विल डू द बेस्ट वी कैन। आप दोनों से जानना चाहेंगे, जैसे मैंने दया सर से पूछा कि कैसा, कितना चैलेंजिंग था आप लोगों के लिए इस किरदार में ढलना, और थोड़ा सा बताइए कि क्या प्रिपरेशन करनी पड़ी अपने? सबसे बड़ी प्रिपरेशन मुझे ये करनी पड़ी कि मैं CID में बुढ़ा नहीं था, उसमें काफ़ी कुछ अपने आप को मतलब यंग जन आदमी की तरह देखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इसमें क्या हुआ है कि इसमें मुझे एक बुढ़े का रोल दिया गया है, तो ये मेरे लिए बड़ा चैलेंजिंग था, चश्मा लगाना, सफ़ेद बाल करना, तो वो और थोड़ा मतलब एजड दिखाया है इसमें, तो मुझे इसके लिए थोड़ी सी कोशिश करनी पड़ी, मेहनत करनी पड़ी उसमें, बाकी तो कैरेक्टर सेम थे, उसमें जो कॉमेडी करता था इसमें भी हल्की हल्की कॉमेडी रहेगी मेरी भी, और मैं कोशिश करूंगा कि ऑडियंस कॉमेडी देख के काफ़ी खुश हो, बस उसमें आत्मा से डरते थे भूत से डरेंगे। सर, आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा पूरा, और क्या प्रिपरेशन करनी पड़ी इस किरदार में होने के लिए? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, और सारी टीम सेम है, और दूसरा हमने कहा डिपार्टमेंट की जगह फोर्स आ गया, तो बहुत ताकत बहुत लग रही है, क्योंकि अभी किसी ने सवाल पूछा कि बहुत बड़े बड़े शोज हैं, लाइक टाइप कपिल का है, तो हम लोग बहुत अच्छा प्रिपरेशन करके हम लोग देसी घी दे रहे हैं चैनल को, ऑडियंस को, तो शायद डालडा पसंद ना करें उन लोगों को, तो कोशिश यही है, उन्होंने काफ़ी मेहनत की, वेट कम किया, और एक्शंस बहुत अच्छे हैं, आपने देखा होगा इसमें।
चीज़ें अच्छी चल रही हैं, प्रिपरेशन यही है और आप लोग उसको अप्रिशिएट करिए, ऑडियंस तक पहुँचाइए जितनी अच्छी तरीके से हो सके। आपका एक बड़ा माध्यम, एक बड़ी सीढ़ी आपकी तरफ से तैयार होती है घर घर तक पहुँचाने के लिए, आप ज़्यादा अच्छी तरीके से उसको पहुँचा सकते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है यार, दया सर आपसे जानना चाहेंगे, जैसे आपने कहा कि बहुत सारे बड़े बड़े शोज हैं और आपके जो स्लॉट में कपिल शर्मा का शो भी है, तो उस चैलेंज के लिए आप लोग कितने रेडी हैं? और मतलब ऑडियंस तो दोनों की अलग है, लेकिन थोड़ा सा कंपटीशन तो होगा टीआरपी को लेकर। जब हम लोग काम करते हैं, जब शूट कर रहे होते हैं, तो हम लोग ये इस बात को ध्यान में नहीं रखते कि कॉम्पिटिशन है जो भी है। अल्टीमेटली हमको कनेक्ट करना है, भले स्लोली स्टार्ट करेंगे बट ग्रेजुअली हम लोग वहाँ पर आएंगे। आज भले ही बड़े शोज़ हैं, रियलिटी शोज़ हैं और नो डाउट अर्बन में उनकी होल्ड भी बहुत अच्छी है, हम लोग ये सोचते हैं कि सीआईएफ के ज़रिए अर्बन में भी दंगल का टीआरपी या जीआरपी बनना चाहिए, कोशिश हमारी वही रहेगी। और एक बात हमेशा याद रखना, जो दिल से जो काम करते हैं, हमने जब शुरू किया था सीआईडी में, हमने बस आओ देखा ना ताओ, 100% हमने अपना एफर्ट्स डाला अपने काम में, वही हम यहाँ पे भी करेंगे। और आई थिंक इवेंचुअली वो कहीं ना तो कहीं एक्सेप्ट होगा, ऑडियंस पसंद करेंगे और सीआईडी की तरह सीआईएफ भी वैसे ही चमकता एक सितारा बनेगा हमारे टेलीविजन में। आपके मुताबिक क्या यूएसपी है सीआईएफ की? अगेन टीम है जैसे सीआईडी की थी। इनिशियली सीआईडी के स्टोरीज बहुत स्ट्रांग हुआ करते थे, उसके बाद लोगों ने टीम को पसंद किया, उसके बाद कैरेक्टर्स बड़े हो गए, एक रिलेशन, एक बॉन्डिंग, जैसे मैंने बोला एक स्पिरिचुअल कनेक्ट है जो सीआईडी को 21 साल तक ले यू नो उतना लंबा जर्नी रहा उसका, वैसे ही इसको भी हमको उसी तरह उसी प्लेटफॉर्म पे लेके जाना है जहाँ पे हमारा एक इमोशनल बॉन्डिंग कनेक्ट हो ऑडियंस के साथ, वो कैरेक्टर्स के साथ रिलेट करें, कोशिश हमारी वही रहेगी। आप देख रहे हैं सक्षम न्यूज़ इंडिया, सबसे पहले सबसे तेज।